दिल्ली शहर में पानी की समस्या को लेकर के ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन व सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया और 10वें दिन पिलानी के मुख्य बाजार पार्क से नगर पालिका तक एक रैली निकाल करके नगर पालिका में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी सरिता बड़सरा को यह ज्ञापन SUCI व DYO के कार्यकर्ताओं ने सौंपा। संगठन के शंकर दहिया व विष्णु वर्मा ने दैनिक न्यूज को बताया कि पिलानी में 9 दिन से यह हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। संगठन के विष्णु वर्मा ने मांग की है कि पिलानी में पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, जनता को शुद्ध पानी दिया जाए और जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती तब तक वैकल्पिक व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू करें। पानी स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको पानी स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। पानी है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। पानी है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। सबको पानी स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको पानी स्वच्छ पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। पानी है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। अब देखो कोई भी पोस्ट एरिया के अंदर किसी को भी पानी लाते हुए आप लोगों ने देखा फिर दूसरे टैंकर खोलने का जैसे ये सिस्टम नहीं है क्या? 4 घंटे इधर खोल दिया, 4 घंटे डुप्लीकेट चाबी बना रखी है मैडम सबके पास है वो मनमर्जी कर लेते हैं मतलब एक घंटा खोला तो हाँ बस वही है कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है जबकि आश्वासन बोल रहे हैं रोज बोल रहे हैं कि हम टैंकर भिजवा रहे हैं लेकिन कहाँ भिजवा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं हमें तो नहीं पता। हम तो 10 दिन से आज जनता के बीच में है इस जन आंदोलन को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला रखा हमने बोरिंग से बनते हैं मैडम उसमें भी नहीं आ रहा है पानी बिल्कुल 70-80 साल के बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष वो भी नहीं जा रहा पानी की बाल्टियां लेके आ रहे हैं रात को 2 बजे भी पानी पड़ते हैं टंकी वगैरह वैसे भी कुछ नहीं बनी नहीं मैडम आप दाइक न्यूज़ है यूट्यूब पे उस पे देखेगा सबसे पहले मेरी तरफ से भी एक न्यूज़ बना देती हूँ बना के फिर मैं भेज दूँगी ये इसकी रिसीट दिला दो उस टंकी के नीचे पानी नहीं है और 1 किलोमीटर दूर पानी जा रहा है उस टंकी का मतलब अफसोस की बात है जबकि हमने अपील की है कि सबको पानी दिया जाए जिनके घरों में आ रहा है वो दूसरों को भी दिलवाए हेल्प करें एक दूसरे की ऐसे समय बहुत बहुत धन्यवाद मैडम भी बहुत अच्छा लगा आपने जो हमारी सुनी है बात वाल का भी सिस्टम कर देना मतलब कोई पर्सनली नहीं यूज ले वाल का डिपार्टमेंट का ही कोई बंदा जाके उसको टाइम टू टाइम 4 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कोई तो टाइमिंग फिक्स देखते 70 साल बाद जो उद्देश्य जो पानी के लिए मतलब और कितनी राजनीति हो रही है वोटों के लिए ये बात सोचने लगा आप कह रहे हो कि हमारा पर्सनल एक कुआ है उसमें पानी आ रहा है तो गवर्नमेंट के इतने कुएं उनमें पानी क्यों नहीं आ रहा है सोचने की बात सोचने वाली बात तो है इनके बोरिंग क्यों फेल हो जाते हैं एक जगह पे 5-5 बोरिंग कर रहे हैं ये और बोल रहे फेल हो गए तो दूसरे कुएं क्यों नहीं फेल हो रहे प्राइवेट बोरिंग तो कोई फेल नहीं एरिया तो वही है तो सोचने वही एरिया है वही सब कुछ है तो इस सब धांधली के ऊपर प्रकाश डालना आपका काम है PSB में भी बात कर लेती हूं एक बार क्या मैटर है मैं जाके आ जाती हूं
रिपोर्ट बना के मैं भेजती हूँ। आप इसका जल्द से जल्द समाधान कीजिए, नहीं तो जनता आप देख रहे हो कितनी त्रस्त है। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक्चुअल रिपोर्ट बना के आगे तक भेजूं, पूरी पूरी कोशिश रहेगी। हमेशा आपके साथ है, आपके लिए बैठे हैं, आपके साथ दिए हमें जो आश्वासन अब बंद पड़े हुए। मैडम स्थिति है कि रात दिन में तो लोग काम करके आते हैं, रात को पानी का इंतजार करते हैं, पूरी रात जाग करके काम पे कैसे जाएंगे। वार्ड नंबर 17 में एक हुआ था, एक महिला तो रोने लगेगी, नानी के बच्चे आने वाले थे नानी के घर पे, बोले हमने मना कर दिया और बच्चों ने भी कह दिया हमें पानी भरना पड़ेगा। इतनी ऐसी ऐसी दुखद घटना है। मुस्लिम बस्ती में गए थे, एक महिला ने कहा कि मेरे सर के दिखाया, हमें बाल उड़ गए थे पानी के लगे सर, इस मशक्कत के दौर से गुजर रही आम महिलाएं। और दूसरा पानी का एक दूसरा ये है कि पानी के जितने भी यहाँ पे ट्यूबवेल है उनका अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ कि वो पानी पीने लायक है कि नहीं, फ्लोराइड इतना आ रहा है, ये तो गंभीर और भी उससे भी बीमारी, अगर ये पानी पिएंगे भी तो लोग बीमार हो जाएंगे। इसके लिए अभी तक कोई जांच नहीं विभाग की तरफ से, ये पानी कोई टीम यहाँ पे नियुक्त नहीं की गई अभी तक कि सर्वे किया जाए हर बोरिंग का, क्या पानी पीने लायक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, किडनियाँ खराब हो रही हैं, बीमारी फैल रही है इससे, लेकिन जांच की जाए। और जहां भी मतलब ये अव्यवस्था है वहां पे विभाग एकदम से सुचारू रूप से इसको ठीक किया जाए। जल्दी से जल्दी।